हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम आपको एक और नए डिज़ाइन का तुरंत पट्टी बुनकर बताएंगे। तो यहाँ पे हम पहले 5 चैन बुन लेंगे। और इस तरह से फंदे लेकर हम यहाँ पे इसे राउंड कर लेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे थोड़ा सा राउंड बनाना है। उसके बाद वापस हम यहाँ पे 5 चैन बुनेंगे इस तरह से। उसके बाद से उस राउंड से हमें यहाँ पे 10 बार फंदे को निकालना है। इस तरह से फिर हम फंदे लेंगे और इसे हमें 3 भाग में निकालना है। ये हुआ 2 भाग और ये 3। और उसके बाद से वापस हम फिर 5 चैन बुनेंगे। पांच चैन बुनने के बाद से इसे हम टर्न करके और फिर यहाँ से हम 10 बार फंदे को लेंगे। इस तरह से 1, 2 और 3, इस तरह से हमें 3 बार में लेना है और फिर 5 बार बुनेंगे। इस तरह से हमें 5 चैन हमेशा बुनना है और बुनने के बाद से इसे हम टर्न करके और जहाँ से हमने पहले इस तरह का चैन बुना है उसमें से हम फिर 5 बार बुन लेंगे। इस तरह से लेना है और इसमें से हमें 10 फंदे को, यानी 10 टाइम हमें यहाँ से फंदे को निकालना है। इस तरह से हमें 3 भागों में करके हमें यहाँ से निकालना है। फिर 5 चैन बुन लेंगे और फिर इस तरह से हम टर्न करके और इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनते जाएगा। और हमें इस तरह से जितना लंबा बुनना है उस तरह से हम इसे सेम इसी तरह से बुन लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं हमने इसे बुन लिया है। उसके बाद से हम यहाँ पे एक वाइट कलर ऐड करेंगे और उसे हम इसमें इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले से ही इस तरह बना लिया है और आगे हम आपको बनाकर बताएंगे। तो इस तरह से डिज़ाइन हमें बनाना है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रोशिया इस तरह से बांध लेंगे, और बांधने के बाद से यहाँ पे देखिए ये जो हमने बुना है वहाँ से हमें इसमें से हम यहाँ पे आठ बार करके हम यहाँ से डबल क्रोशिया ऐसे बुनना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे आठ बार बुन लेंगे, उसके बाद से फिर फंदे लेंगे और यहाँ से हमें फिर आठ बार यहाँ से निकालना है और बनाना है। तो सेम इसी तरह से हम पूरे डिज़ाइन में बनाते जाएंगे। तो आइए देखते हैं और सीखते हैं ये डिज़ाइन कैसे बनेगा। सेम इसी तरह से हमें इस साइड भी बनाना है। तो सेम हम ऐसे ही बनाना है, इसमें से भी हम आठ बार यहाँ से लेंगे डबल क्रोशिया और ऐसे ही बुन लेंगे। इस तरह से हम सारे डिज़ाइन को बुनते जाएंगे। दोस्तों इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबाए ताकि हमारा जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको आसानी से मिलता रहे। तो आप यहाँ पे देख सकती हैं इस तरह से यहाँ पे बुनना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से पूरा बुन लिए हैं, उसके बाद से हम ऐसे ही बुनते जाएंगे।
तो देखिए इस तरह से हम सारे एक एक करके यहाँ पे हम बुनते जाएंगे। और लास्ट में हमें ये ध्यान देना है, देखिए इसमें हम इस लास्ट में हमें दो बनाना है, आठ बार इधर से और आठ बार उधर से। तो एक हमने यहाँ पे पहले से ही बना लिया है और एक इसमें हम अभी बनाएंगे। तो हमें लास्ट में ध्यान देना है कि एक ही से हमें दोनों साइड से आठ आठ मतलब आठ बार दोनों साइड से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे बना लिया है। और इस तरह से हम बना लेने के बाद से यहाँ पे देखिए इस तरह से कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के बाद से हम यहाँ लास्ट में क्या करेंगे, एक चैन लेंगे और यहाँ से हम इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है और एक्स्ट्रे भाग को काट के हटा देना है। तो इस तरह से हमारा ये तोरण पट्टी बन के तैयार होगा। तो आप यहाँ पे देख सकती हैं कितना ही इजी तरीके से ये तोरण पट्टी बन के तैयार हो गया है और देखने में भी बहुत खूबसूरत दिखता है। इस तरह से देखिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और भी नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए डिज़ाइन के साथ।